फ्रेंड्स, हमने कॉन्ट्रैक्ट के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक डिफिनेशंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आपको बेसिक चीज ध्यान में ये रखनी पड़ेगी कि जो ऑफरर है, जो प्रपोजर है, वो प्रोमिसर होता है और जो एक्सेप्टर है वो प्रोमिसी होता है। और प्रोमिसर और प्रोमिसी जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों किसी ट्रांजैक्शन को एक ही सेंस में, एक ही अंडरस्टैंडिंग में उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब प्रोमिस फॉर प्रोमिस, जो तुम कहो मैं करूंगा, जो मैं करूं वो तुम कहोगे, या जो मैं कहूं तुम करोगे, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। अपना अगर आप बुक हमें सेल करेंगे तो मैं वो किताब खरीदूंगा, या दूसरी पार्टी कहेगी कि मैं तुम्हारी किताब खरीदूंगा तो आप कहेंगे हाँ मैं आपको किताब सेल करूंगा। तो प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस मिलकर ही एग्रीमेंट होती है, और इसी प्रॉमिस को जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में आ जाते हैं, जब जो प्रॉमिस आपका जो इन्फोर्स करने लायक हो जाता है, क्योंकि देखिए जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल हो भी सकता नहीं हो सकता। इन्फोर्सेबल तब नहीं होगा जब उसमें सेक्शन 10 के एलिमेंट्स नहीं है, या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। जैसे मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो कहते ठीक है तुम अलग रहो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स है, जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसे में जहां प्रोमिसर और प्रोमिसी, ऑफर और ऑफरी का जो कॉन्टेक्स्ट आता है, जो सिचुएशन आती है, उसमें जरूरी है कि किसी न किसी तरीके से उसमें कोई ट्रांजेक्शन, ऐसा ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू मनी और रिलेटेड टू गुड्स, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे पैसे के बदले में कोई सामान हो, वो जरूर होना चाहिए। फैमिली डिस्प्यूट्स उसमें नहीं आते, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए इंस्टीट्यूट बना दिए गए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन गया है, या सीआरपीसी में 125-128 में मेंटेनेंस टू द वाइफ हो गया है, या हिंदू मैरिज एक्ट में आप देखेंगे मेंटेनेंस 24-25 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट और परमानेंट एलिमनी कॉन्सेप्ट आ गया है। तो कहीं कहीं से जहां डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में जहां कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं करता, वहां इंस्टीट्यूट उसका स्थान ले लेता है, और इंस्टीट्यूट कानून संहिता से बड़ा होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ लिखा भी गया है लेकिन इंस्टीट्यूट उसको ओवरपास करती है, उसको सरपास करती है, उसको ओवरराइड करती है, तो इंस्टीट्यूट अप्लाई करेगा, कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं करेगा, जब तक कि इंस्टीट्यूट में खुद ने लिखा गया हो कि सब्जेक्ट टू कंट्रारी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा इंस्टीट्यूट, तब तो कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हो, अप्लाई करेगी, नहीं तो इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज प्रिवेलिंग ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो जनरल बात है जो मैंने आपको बताई थी, दिमाग में रखना आपको लेकर के। अब यहां दो शब्द मैंने बताया था आपको, मैं चाहता हूं वायड वायडेबल, वायड एग्रीमेंट, वायड कॉन्ट्रैक्ट और वायडेबल एग्रीमेंट, जो हमने डिफिनेशन आपको दिखाई थी, बताई थी आपको लेकर के। आप देखेंगे सेक्शन 2G में कहा गया है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय इज सेड टू बी वायड। इसका मतलब जो एग्रीमेंट ही अगर इन्फोर्सिबल हो गया, इसी चीज को सेक्शन 2H में उल्टे से कहा गया है। 2G में कहा गया क्या वायड होगा, और 2H में कहा गया क्या वायड नहीं होगा, मतलब क्या लीगल होगा। तो 2G में कहा गया है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वायड, और 2H में कहा गया एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। हमने आपको डिस्कस किया था कि सेक्शन 10 की कंडीशन दी गई है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल हो सकता है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डिफिनेशन है सेक्शन 2G, 2I या 2J में, उसके बेसिस पे कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे वायड एग्रीमेंट, सॉरी वायड एग्रीमेंट, वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वायड कॉन्ट्रैक्ट में। हमने आपको बताया था, ध्यान रखने की बात है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब वायडेबल वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब इट इज डीम्ड टू बी ए वैलिड एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो जो वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वायडेबल वायडेबल एग्रीमेंट नहीं होता, वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि वायड एग्रीमेंट होता है। वायड एग्रीमेंट मतलब होता है वायड एब इनिशियो, इल्लीगल वायड था
वाइड है और वाइड रहेगा, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में लीगलिटी के फॉर्म में जब तक कि स्टैट्यूट सरकार उसे कन्वर्ट ना करे ला बना करके, क्योंकि सरकार किसी लीगल को लीगल बना सकती है। लॉटरी जो वेजर उसे लॉटरी एक्ट पास करके कह सकती है कि लॉटरी वैलिड है। इसी तरीके से जितनी लैंड्स आप देखेंगे कि कोई चीज अगर इरेगुलर है तो सरकार रेगुलाइज कर सकती है। तो स्टैट्यूट को पावर होती है किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, किसी ऐसे एग्रीमेंट को जो वाइड है या जो लीगल नहीं है उसे लीगलाइज भी कर सकती है और किसी वाइड को वैलिड भी बना सकती है। तो सेक्शन 2 आई में जो कहा गया है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन वन आर मोर ऑफ द पार्टीज, मतलब जितनी पार्टीज हैं अगर समय के रहते उन्होंने ऑप्शन ले लिया है कि वो जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी वजह से जो कंडीशन सेक्शन 10 में दी गई है अगर उनमें वो कवर नहीं होता, जैसे कंसेंट फ्री नहीं है, कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं है, इल्यूजरी है, तो ऐसे केसेस में जो कंडीशन सेक्शन 10 में अगर वो इन्फोर्सिबल नहीं करती, नहीं मानती, तो वो वायड हो गया। लेकिन अगर कुछ कंडीशन है जैसे सेक्शन 15 से लेकर के 21 तक है, कंसेंट फ्री नहीं है, तो कंसेंट फ्री नहीं है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये इरेगुलरिटी होगी, इट इज मेर इरेगुलरिटी दैट इज डीम्ड टू बी वैलिड एंड इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट वाइडेबल है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वाइडेबल डिक्लेयर किए गए हैं, जो सेक्शन 15 से लेकर के अंडू इन्फ्लुएंस है, कोर्सन है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये वाइडेबल एग्रीमेंट है, वाइडेबल है। लेकिन मैंने कहा कि वाइडेबल एग्रीमेंट नहीं बल्कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जब तक इसे उल्टा ना जाए, जब तक एक पार्टी से रिवर्स ना कर दे, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस उसका बना रहता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई लैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान ली एक जमीन आपने ली, वो जमीन आपको भेजी, वो जमीन हमने लिया था या कोई बुक लिया था हमने, उसे फ्री कंसेंट नहीं थी, उसमें बेखूब बना के ले लिया गया था, और 10 साल के बाद वो जमीन वो पेन अपने पास रखता हूं, दोनों को ऑब्जेक्शन नहीं करते, उसी बुक को थर्ड आदमी खरीद लिया, तो थर्ड पर्सन जो हुआ कोलैटरल एग्रीमेंट हुआ। तो जहां वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो प्रॉपर्टी पास होगी थर्ड पार्टी को, वो वैलिड टाइटल होगी। इसी से सब गुड्स एक्ट में भी आप देखेंगे सेक्शन 27 टू सेक्शन 30 में ये प्रपोजिशन दिया गया सेल्स के बारे में। तो जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड डिक्लेयर नहीं किए जाते एक दूसरी पार्टी के द्वारा, तब तक वो वैलिड होते हैं और उनकी जो टाइटल पास होगी थर्ड पार्टी को, एक वैलिड टाइटल पास होगी। तो अब इसका निष्कर्ष ये हुआ कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो कोलैटरल एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा, दैट इज लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो वाइड एग्रीमेंट है, वाइड तो वाइड एवेन्यू से हुआ, इसलिए वाइड का कोलैटरल कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, अगर मान लीजिए कि कंसिडरेशन नहीं पे किया या माइनरली सेल किया है या कोई ऐसी कंडीशन है जो ला प्रोविड करती है, तो वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे पार्टी अगर थर्ड पार्टी को लेना चाहती है उसे वैलिड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगी, दोनों में ऐसी डिफरेंस है। और तो अगर हम समअप करें कि वाइड एग्रीमेंट में, वाइड एग्रीमेंट में और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, तो आप कैसे करेंगे? तो पहला तो अंतर यह करेंगे कि वाइड एग्रीमेंट इज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इट इज वाइड, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, जब था ही नहीं, है भी नहीं, तो रहेगा भी नहीं, और क्योंकि ये इट इज अनइन्फोर्सेबल इन लॉ, क्योंकि लॉ इसे इन्फोर्स नहीं करती, इसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। लेकिन एक वाइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता, मैंने कहा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट नहीं होता, जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तब तक वैलिड होता है जब तक दूसरी पार्टी उसे रिपुडिएट नहीं कर देती, क्योंकि दूसरी पार्टी के पास उसे रिजेक्ट करने का या एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी हिंदू मैरिज एक्ट में भी, माइनर या मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट डिस्कस किया था हमने लेकर के, अगर दूसरी पार्टी पत्नी अगर चाहे तो मेजर होने के बाद मैरिज को रिजेक्ट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है। या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 में आप देखेंगे, अगर कोई माइनर को पार्टनर बना लिया जाता है
तो रहेगा नहीं रहेगा ये डिसाइड करना होता उसे आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी होने के बाद अगर वो डिसीजन ले लेता है या उसके पहले ही एक दूसरी पार्टी डिसीजन ले लेती है जो लेने की पोजीशन में थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब तक वो रिजेक्ट न किया जाए, और ये इन्फोर्सिबल होता है जब तक इसे रिपोडिएट या रेसेंट न कर दिया जाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिपोडिएट करने का राइट, इसे रेसेंट करने का राइट, समाप्त करने का राइट किसी पार्टी के पास तब तक रहता है जो पार्टी ओरिजिनल होती है। जैसे ए और बी दो अग्रीमेंट करते हैं किसी हॉल को, किसी बुक को सेल करने का या किराया उठाने का, तो ऐसे में अगर वो वाइडेबल है, कोई उसमें लैकुना है जिसकी वजह से एक पार्टी उसे रिजेक्ट कर सकती है, तो ये ऑप्शन केवल तभी मिलता दोनों पार्टी जब तक दोनों पार्टीज उस अग्रीमेंट में रहती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में रहती है। लेकिन अगर एक दोनों में से एक पार्टी उस लैंड को ट्रांसफर कर दिया, उस सब्जेक्ट मैटर को ट्रांसफर कर दिया, मतलब थर्ड पार्टी आ गई बीच में, तो ऑप्शन थर्ड पार्टी को समाप्त हो जाता है। और क्योंकि वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर होता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इन्फोर्सेबल ला होगा। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो कोलैटरल टू द वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा इन्फोर्सेबल होगा और लीगल होगा। लेकिन जो वाइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि वाइड होता है इसलिए अगर उसका वाइड का कोई एग्रीमेंट का कोई ट्रांसफर भी होगा जो ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, जिसे लॉ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था, तो कोलैटरल एग्रीमेंट भी वाइड होगा और कभी लीगल नहीं हो सकता। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा आप कह सकते हैं कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है और इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज, दोनों में से कोई पार्टी अगर ऑप्शन ले लेती है हम इसे रिपोडिएट कर देंगे तो रिपोडिएट होती है, ऑप्शन नहीं लेती तब तक वो रिपोडिएट नहीं होता, तब तक वो वैलिड रहता है और लीगल रहता है और इन्फोर्सिबल रहता है। तो ये जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्यूरेबल, इसका मतलब ये क्यूरेबल हुआ, अगर दूसरी पार्टी उसे रिजेक्ट नहीं करती तो वैलिड तो हुआ ही। दूसरी बात यह है कि अगर वो कह सकती है कि भाई हमने अपने बचपन में कर दिया था, अब मैं मेजर हो गया हूं, या अब ये कंडीशन थी अब हम इसको रिपोडिएट नहीं करते बल्कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्यूरेबल हो गया वाइडेबल अग्रीमेंट जो होता है। तो जब क्यूरेबल हो गया, अगर क्योर कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्योर हो गया, अगर ऑप्शन रिपोडिएट करने का नहीं लिया दूसरी पार्टी ने, मतलब अगर उसे समाप्त नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, तो समझिए दैट हैज बीन डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, तो थर्ड पार्टी के पास वो जो टाइटल जाएगी वो वैलिड टाइटल जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि वाइडेबल एग्रीमेंट हमेशा क्यूरेबल होता है, जबकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्यूरेबल होता है, जबकि वाइड एग्रीमेंट हमेशा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्यूरेबल होता है, जबकि वाइड एग्रीमेंट हमेशा इनक्यूरेबल होता है, क्योंकि वो वाइड अब इनिशियल होता है, उसकी कोई स्टेटस शुरू से ही नहीं था। और तीसरा जैसे डिराइव किया मैंने आपको कि वाइड एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी कोई राइट एक्वायर नहीं कर सकती। अगर वाइड एग्रीमेंट की कोई पार्टी अपने राइट को, अपनी टाइटल को ट्रांसफर करती है, तो जो ट्रांसफर ही होगा, जो थर्ड पार्टी होगी उसे कोई राइट एक्व नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियल है, वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो इलीगल, वो वाइड एग्रीमेंट था, उसकी कोई लीगल एफिकेसी नहीं थी, क्योंकि वो लॉ इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं था। लेकिन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी कैन एक्वायर वैलिड टाइटल फ्रॉम द पर्सन क्लेमिंग अंडर द सच ए कॉन्ट्रैक्ट, तो क्योंकि जब तक रिपोर्टेड नहीं किया है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। और तीसरा चौथा जो भी अंतर आप कर सकते हैं कि क्योंकि वाइड एग्रीमेंट इट इज अनइन्फोर्सिबल एट लॉ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, तो ऐसे वाइड जैसे मान ली कोई स्टेट, सपोज करिए हम प्रॉपर्टी एग्जांपल ले लेते हैं आप समझने के लिए, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई सरकारी जमीन है, स्टेट लैंड है, आपने बेच दिया किसी को, तो स्टेट लैंड जब बेच दिया तो क्या उसकी रजिस्ट्री पांच स्टैम पेपर पर रजिस्ट्री करा भी लिया उसकी, तो क्या कोई टाइटल खरीदने वाले में एक्वायर होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्टेट लैंड आप बेच नहीं सकते, इट इज वाइड एब इनिशियो, क्योंकि लॉ इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ऐसे केस मान लीजिए सरकार कोई बगल से कोई सड़क निकाल रही है, सरकार ने कहा हम आपकी जमीन लेकर के आप
जिस जो ओनर से कम्पेंसेशन दे देंगे। तो जब आपको टाइटल ही नहीं थी वायर्ड एग्रीमेंट होने की वजह से, तो कम्पेंसेशन के लिए आप एंटाइटलमेंट नहीं होते। तो अगर रिपुडिएशन ऑफ वायर्ड एग्रीमेंट होता है, चाहे जो भी करे, चाहे थर्ड पार्टी करे चाहे आप करें, तो यू आर नॉट एंटाइटल फॉर द कम्पेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ द आइदर नन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप दोनों में से कोई करता है, एक कहता हम नहीं पैसा नहीं देंगे या जमीन नहीं देंगे, तो दूसरी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती मुआवजा उससे, कम्पेंसेशन, और कुछ अगर कोई किसी फॉर्म में और कम्पेंसेशन ले सकता है तो अगर वो वायर्ड एग्रीमेंट है तो। लेकिन इन केस ऑफ वायरेबल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन ही कैन क्लेम फॉर द ब्रीच ऑफ द डैम कॉन्ट्रैक्ट, कम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। तो चाहे थर्ड पार्टी तो के कंटेस्ट में तो वायर्ड होगा ही, इन्फोर्सिबल नहीं होगा। आपस में अगर पार्टी दूसरे ट्रांजैक्ट करना चाहे, अगर एक पार्टी रिपुडिएट करते मुकरती है, दूसरी पार्टी कम्पेंसेशन लेना चाहे तो नहीं ले सकती, क्योंकि वो वायर्ड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है। जहां कॉन्ट्रैक्ट शब्द आएगा इसका मतलब होगा इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वायडेबल आए, वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट आए या वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट आए। अब इसी से मैंने बताया आपको कि अगर एग्रीमेंट वायर्ड है तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन से वायर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्रांजैक्शन कोलैटरल है, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, टाइटल पास हो जाएगी, जो पार्टी एग्रीमेंट करती थर्ड पार्टी उसे पूरी पूरी राइट उसमें अक्रू कर जाएगा। जबकि वायर्ड ट्रांजेक्शन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो कोलेटरल होगा वो भी वायर्ड होगा। और इसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था सेक्शन 2I में कि किस तरीके से वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया गया है। तो वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को इम्पॉसिबिलिटी के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई हमने एग्रीमेंट किया कि अपनी बेटी की शादी आपसे करूंगा इतना पैसा लेकर के, लड़की की डेथ हो जाती है, तो इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो गया। एक कलाकार ने कहा भी पेंटिंग आपको बना के 20 दिन दे दूंगा, लेकिन मान लीजिए कलाकार का हाथ कट गया या मर गया, या एग्जाम्पल मैंने आपको शायद दिया होगा, अगर किसी हॉल में गाना गाने का इंस्ट्रूमेंटल प्ले करने का परफॉर्मेंस है तो आग लग जाती वहां पर, या जो प्लेयर है जो सिंगर है बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, इट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। जिस नदी को लेकर के माइन निकालना है, नदी बाढ़ आ जाती है, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो जब इम्पॉसिबिलिटी का क्रिएशन, जब इम्पॉसिबिलिटी का रिजल्ट बिना किसी पार्टी के डिफेक्ट के होता है, इसके लिए कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं होती बल्कि परिस्थितियां जिम्मेदार होती है, उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। लीगल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होगा। तो ये समझिए, ये हुआ डिफिनिशन क्लास का एस्पेक्ट। अब ये तो हुआ डिफिनिशन क्लास, लेकिन जो हमने आपको सीरीज बताई थी चेन ऑफ सिक्वेंसेस में कैसे ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, तो पहली चीज क्या थी, वन पर्सन सिग्निफाइज, हमारा कम्युनिकेट करता दूसरी पार्टी को, क्या करता है, हिज इंटेंशन ऑफ विलिंगनेस, कि मैं हम चाहता हूं कि आप मेरे इस प्रपोजल पर एग्री करें, चाहे वो प्रपोजल पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, या अब्सटेन करने का हो या कुछ करने का हो। तो यहां पर जो तो पहली चीज होती है ऑफर एक्सेप्टेंस में, देखा आपने कि वो होनी चाहिए इंटेंशन ऑफ लीगल वाइंडिंगनेस। तो जब आप प्रपोजल करेंगे तो आपका प्रपोजल तभी मेच्योर हो पाएगा एग्रीमेंट में, कोई ऑफर करेंगे किसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, जैसे आपने कहा चलो यार सिनेमा देखने चलते, मैं तुम्हें दिखाऊंगा सिनेमा, बोला ठीक है देखने आएंगे, आप पता है सिनेमा देखने गए और देखने वाला तो आ गया लेकिन दिखाने वाला जो वादा नहीं आया, तो यू कांट इन्फोर्स इट बिकॉज देयर वॉज नो इंटेंशन, रियल इंटेंशन ऑफ रीचिंग टू एन एग्रीमेंट, ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो सिग्निफाइज वर्ड है, कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन ऑफ हिज इंटेंशन, इंटेंशन टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स ए सिंसियर प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स ए प्रपोजल विच मे बी ट्रांसफॉर्म इन टू ए लीगल इंस्ट्रूमेंट, इन टू लीगल डॉक्यूमेंट, इन ऑर्डर टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एनीथिंग मतलब तो एनीथिंग विच इज वैलिड
which is not infectious, which is not illusory, which is not impossible, or which is not casual. अगर casually कोई बात का प्रपोजल दे देते हैं तो कोई accept कर ले तो उससे promise कोई नहीं बनता. जो promise नहीं बनता तो agreement भी नहीं बनेगा, promise for promise भी नहीं होगा. तो पहली important चीज होती है कि जो offer होना चाहिए with intention to create legal obligation होना चाहिए. मान लीजिए हमने आपको बताया भी कि जो domestic relations होते हैं, Balfour versus Balfour का केस था, इसमें इसमें अंग्रेज था, 1948 का केस है, जब इंडिया जस्ट आजाद, इंग्लैंड सिलोन बल लंका, लंका में फ्रीडम उसी साल मिली थी, उसमें बहुत सारे अंग्रेज रहते थे. तो सिलोन में हस्बैंड वाइफ दोनों अंग्रेज थे, हस्बैंड नौकरी करता था, दोनों इंग्लैंड अपने घर गए और बीबी बीमार पड़ गई वाइफ. हस्बैंड ने कहा तुम आराम करो, हम सिलोन पहुंच करके, लंका पहुंच करके तुम्हें पैसा भेजते रहेंगे. लंका जब सिलोन पहुंच गया तो पैसा भेजना बंद कर दिया उसने. तो वाइफ ने क्लेम किया कॉन्ट्रैक्ट में कि यू हैव रिपुडिएटेड और ऑफर. तो कोर्ट ने कहा कि ऑफर तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि तो फैमिली सेटलमेंट है. हमने बताया फैमिली सेटलमेंट में, फैमिली मैटर्स में, डोमेस्टिक मैटर्स में कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता. तो जब ऑफर नहीं था तो वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर द कम्पेंसेशन, बिकॉज देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर वॉज नो एग्रीमेंट, देयर वॉज नो एनफोर्सेबिलिटी, एंड देयर फॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब दो, एक तो ये कि इंटेंशन होना चाहिए, दूसरी चीज ये है कि जो ऑफर करें ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए. जैसे आपने कहा कि मैं आपको नैनी वाली जमीन बेच रहा हूं, तो नैनी वाले आपके पास तीन जमीनें हैं, तो कौन सी जमीन बेच रहे हैं, ए बी सी. जब तक डिमार्केशन ना हो कि कौन सी लैंड या कौन सा घोड़ा, कौन सी कार, एक कारखाने में जाते हैं, एक वर्कशॉप में जाते हैं, पता लगा तीन सफेद गाड़ियां खड़ी हैं, आपने कहा सफेद गाड़ी में खरीदूंगा या सफेद गाड़ी में बेचूंगा, फिर व्हाइट कार, कार का नंबर बताएंगे, कार का रो बताएंगे, तब तो वो एग्रीमेंट होगा. या आपने कहा कि हमें 10 टन तेल चाहिए, इतना पैसा मैं दूंगा, तो कौन सा तेल, मिट्टी का तेल चाहिए, डीजल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, या कैस्टर ऑयल चाहिए, कौन तेल चाहिए. जब तक ऑफर में डिफिनिटनेस नहीं होगा, सर्टेनिटी नहीं होगा, तब तक वो ऑफर एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, उसका प्रॉमिस हो ही नहीं सकता. मान लीजिए एक क्लासिकल केस है, पुराना 1855 का केस है, टेलर वर्सेस पॉटिंगटन. देखिए जितने केस डेवलप हुए हैं सब इंग्लैंड में डेवलप हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 1872 का एक्ट है. तो इंडिया का केस जो भी है दे हैव बीन डिक्लेयर्ड आइदर, क्योंकि उसमें ना सुप्रीम कोर्ट था ना हाई कोर्ट था, उसमें क्वीन सारे केसेस जाते थे, क्वीन पेन डिवीजन के पास जाते थे. तो ऐसे में जो जजमेंट्स आए हैं सारे इंग्लिश जजमेंट्स ही हैं, कुछ इंडियन जजमेंट भी हैं बाद में आफ्टर 1913 जब हाई कोर्ट बन गया, यहां कोर्ट बनने लगी, लेकिन इससे पहले जो 19th सेंचुरी केसेस हैं दे ऑल आर फ्रॉम इंग्लैंड, आदर फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आर फ्रॉम क्वीन पेन डिवीजन, किंग बेंच डिवीजन. तो ये टेलर वर्सेस पॉटिंगटन केस था, इसमें कहा एक आदमी गया, उसने कहा मैं तुम्हारा मकान किराए पर लेना चाहता हूं 3 साल के लिए, और हम आपको 85 पाउंड देंगे किराया पर एनम. लेकिन अब देखिए लेकिन बड़ा लगा, लेकिन आपका मकान रिनोवेटेड हो, उसमें सारी सुविधाएं हो, अग्रीमेंट में समय समय पर रिपेयरिंग होना चाहिए, और उसकी जो डेकोरेशन हो वो समय के हिसाब से हो. अब जब वो देखने गया तो कुछ नहीं हुआ, मकान उसने नहीं लिया किराए पर, उसने कहा तो हमारी कंडीशन फुलफिल कर ही नहीं रही है. तो जो मकान मालिक था उसने कहा साहब ये किराए 85 हमारा नुकसान किया है, 85 पाउंड का ऑफर दिया है, मैंने एक्सेप्ट किया. तो कोर्ट ने कहा तुमने क्यों एक्सेप्ट किया है, द ऑफर वॉज नॉट ए सर्टेन ऑफर, डिफिनेट नहीं था. ये कोई बात होती है, अगर आपका मकान पार्टिकुलर मकान की लोकेशन होती, लगने कंडीशन न लगी होती, अच्छी कंडीशन होना चाहिए, रिपेयरिंग होना चाहिए, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि डिफिनिट है. तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेवर बी अनसर्टेन. जब आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चैप्टर इम्पॉसिबिलिटी का है, हमने डिस्कस किया था उस दिन सेक्शन 23 से लेकर के 30 तक में, तो 24 में अनसर्टेनिटी के कारण भी कोई एग्रीमेंट वायड हो जाता है, अगर होता है तो. तो जब वायड एग्रीमेंट हुआ या ऑफर एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, जब प्रॉमिस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो फिर
वो ऑफर एक्सेप्टेंस में नहीं होता। तो पहली कंडीशन होती है ऑफर मस्ट बी सच व्हिच इज इन प्रोपोजिशन टू कन्वर्ट इनटू ए लीगल करेक्टर। अगर बाइंडिंग करेक्टर लीगल में कन्वर्ट हो सकता है तब तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉमिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पहला एलिमेंट है ऑफर का, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। तो इसके लिए सर्टेन हो, सर्टेनिटी होनी चाहिए, एम्बिग्युटी को ऑफर में कोई ना हो, ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए और वो ऑफर डोमेस्टिक ना हो। इसी तरीके से डोमेस्टिक में जब आप देखेंगे तो पडावटन वर्सेस पडावटन का केस भी आएगा। इस पर ज्यादा इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ आपको एलिमेंट्स बता रहे हैं। तो ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट द लीगल रिलेशन, से पहली कंडीशन होती है ऑफर की। दूसरी कंडीशन है ऑफर मस्ट बी सर्टन डिफिनिट एंड नॉट वेग, वेग नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जैसे मान लीजिए आप कोई अपने दराज में कोई चिट्ठी लिख के भेजते हैं किसी को भेजने के लिए, बी को चिट्ठी आपने नहीं भेजी, चिट्ठी या तो बाय कोरियर भेजेंगे या बाय पोस्ट भेजेंगे, लेकिन बी आप पहुंच जाता है, अब आपकी मेज खोल लेता है आपके नॉलेज के बगैर, उसने देखा ये चिट्ठी हमको लिखी गई थी, तो चिट्ठी लिखी गई उसने कहा मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैंने चिट्ठी तुम्हारी देख लिया जो मुझको भेजी गई थी। तो ये इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट और एनी कम्युनिकेशन विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपने इनफॉर्मली चिट्ठी देखी है, जब तक वो कम्युनिकेट ना करता आपको, जब उसने कहा तुमने चिट्ठी हमारी दराज क्यों खोली, दूसरा ऑफेंस बन गया ये। तो ऐसे केस में ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बिना कम्युनिकेशन के कोई ऑफर नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आप यहां बैठे हैं, गंगा नदी बह रही है, एक पुल है, मान लीजिए मैं यहां इलाहाबाद में, पुल के इस पार से हमने कहा कि भाई मैं तुम्हारी दुकान से यह सामान लेना चाहता हूं, तुम बताओ। और उसने भी चिल्लाया कहा हां मैं तुमको बेचना चाहता हूं। अब बताया उसने कैसे, अंदाज ही बताया, यही कहा होगा, क्योंकि जैसे कम्युनिकेशन किया ऑफर का, वैसे ट्रेन गुजर गई, आवाज ही नहीं सुनाई पड़ी। तो जब तक मेरी बात को आप सुनेंगे नहीं तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर अनासट्टा भी एक्सेप्ट कर लिया विदाउट हियरिंग माई कम्युनिकेशन, देन इट इज नॉट ए कम्युनिकेशन प्रॉपर, इट इज नॉट कन्वर्टेबल इन टू द एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जैसे मान लीजिए कि एक केस, इंपॉर्टेंट केस अक्सर आता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है, 1913 का केस है, जिसमें एक बच्चा खो गया था मालिक का, और मालिक ने एक पंपलेट छपाया हर रेलवे प्लेटफॉर्म पर, हर बस अड्डे पर, उसने जहां जहां पब्लिक प्लेसेस थे उसने एक इश्तहार छपा करके कर दिया, जो कोई मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा या मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसे हम 500 रुपए देंगे। अब नौकर एडवर्टाइजमेंट निकलने से पहले ही अपने मालिक की लॉयल्टी में घर छोड़ चुका था कि मालिक का बेटा मैं ढूंढ के लाऊंगा इसको। ढूंढते ढूंढते उसने लड़के को ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद जब वो पहुंच गया घर के पास, उसने देखा मेरे मालिक ने इश्तेहार लिखा गया प्लेट कि मेरे भतीजे को ढूंढ कर जो लाएगा उसे 500 रुपए दूंगा। जब वो भतीजे ढूंढ कर लाया, उसने मालिक से कहा साहब पैसा दीजिए 500। उसने कहा कैसा पैसा, उसने कहा इश्तेहार छपाया है। बोला इश्तेहार तो का इंपैक्ट तो तब होता जब आप बच्चे को ढूंढने के पहले वो पढ़ते, मतलब कम्युनिकेशन आपको होता, अगर उसके कम्युनिकेशन के बाद आप बच्चे ढूंढ के लाते, जवाब कन्वे हो जाता, कम्युनिकेशन की रिस्पांस में एक्सेप्ट करते, तब तो हम आपको प्राइस देते, नहीं तो नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ जो बच्चे ढूंढ कर लाया था वो विदाउट रीडिंग दी, विदाउट हियरिंग दी पंपलेट, बिना एडवर्टाइजमेंट के पहले ढूंढ लाया था। इसलिए जब तक आप कम्युनिकेशन न हो और कम्युनिकेशन के बगैर भी अगर आप ही किसी कोई अगर कॉन्टेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। उल्टे मान लीजिए एक आदमी एडवर्टाइजमेंट देता है मेरा कुत्ता खो गया है, मेरे कुत्ते को लाने वाले 1000 रुपए मैं दूंगा, भी उस पंपलेट को उस एडवर्टाइजमेंट को प्लेटफॉर्म पे पढ़ता रही किसी रेलवे के,
और कुत्ता दिखाई पड़ता है, ढूंढ करके लाकर मालिक पहुंचा देता है। तो अब यहां पर क्या हो कि कुत्ते का जो सर्च हुआ प्लेटफॉर्म पर, उसने एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद किया, इसलिए आफ्टर द कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये कंडक्टेड द ऑफर बाय हिज कंडक्ट बाय सर्विंग द डॉग टू द ओनर। तो यहां पर चूंकि कम्युनिकेशन हो चुका था ऑलरेडी, इसलिए ये अग्रीमेंट वैलिड होगा और इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, क्योंकि इसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप देखेंगे इसी से तीन चीजें निकलती हैं ऑफर से। पहला, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दूसरा, ऑफर मस्ट नॉट बी इनविटेशन टू ऑफर। तीसरा, ऑफर मस्ट नॉट बी द काउंटर ऑफर। तीसरा, ऑफर मस्ट नॉट बी द क्रॉस ऑफर। ये चार वर्ड जो आते हैं ये ऑफर से आते हैं। तो अब जो पहली कंडीशन आप लीजिए, ऑफर मस्ट नॉट बी इनविटेशन टू ऑफर। अब ये जो ये टर्म डेवलप क्यों हो रहे हैं, टर्म डेवलप हो रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी से, कोरियर सर्विस के ग्रोथ के साथ। पोस्टल सर्विसेज की दुनिया बड़ी होती जा रही है, लेटर पहुंचने में डिले होता है, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए ये टर्म्स डिराइव हुए हैं। तो आप इस पहले जो शुरुआती दौर पर जो आप देखिए इन्विटेशन टू एन ऑफर जो होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो दुकानदार कोई सामान खरीदने जाते हैं, या इसके भी पहले दुनिया जो बनी वो है ऑक्शन। पहले जब मोहल्लों में ऑक्शन होता था तो डुग्गी पिटती थी, डुग्गी बोलते उसको, कि यहाँ पर इस पार्टिकुलर मोहल्ले में जगह ऑक्शन होने जा रहा है, जो लोग खरीदने के इच्छुक हों, जो सामान लेना चाहते हों, वो आकर के इस पार्टिकुलर जगह पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पर वो डुग्गी पीट करके आवाज लगाकर क्या शो कर रहा है, वो लोगों को इनवाइट कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए जहां ऑक्शन हो रहा है। इसका मतलब ऑक्शन के पहले जो लोग वहां पहुंचे, इस केस है, इस केस का नाम है हैरिस वर्सेस निकर्सन, 1873 का केस है, पुराना, पहले ऐसे ही होता था। एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया कि पार्टिकुलर प्लेस पर किसी सामान की नीलामी होगी, वो आदमी उस प्लेस तक पहुंचता अपना किराया खर्चा करके, और जब वहां पहुंचता है तो उसने कहा कि नीलामी टल गई है, कैंसिल हो गई है या पोस्टपोन हो गई है। पहला नीलामी की जो डेट थी वो खत्म हो गई। तब उसने पेन लेकर के वहां तक जो पहुंचता है, किराया देखे जाता है, एक दिन दो दिन लगता है उसे पहुंचने में। उसने कहा ये तो गड़बड़ हुआ है, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, एडवर्टाइजमेंट देने के बाद जब मैं यहां पहुंचता, ऑफर दिया कि सेल करने का, ऑफर देने के बाद जब मैं यहां पहुंच रहा हूं तो आप कहते नहीं बेचेंगे। तो यहां पर पहला केस है जिसमें कोर्ट ने कहा इट वॉज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, आप आइए और बोली लगाइए। अब देखिए दो वर्ड आ गए, पहुंचना, पहुंचने के बाद बोली लगाना, पहुंचने कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिल शुरू होती बोली लगाने से। जब आप बोली लगाते हैं तो क्या लगा रहे हैं, आप ऑफर दे रहे हैं, उस ऑफर को दुकानदार एक्सेप्ट करे या ना करे। एक नियम जनरली है कि जो सबसे कम लगा था टेंडर में उसी का सामान एक्सेप्ट होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो बिड्स होते हैं सबसे लोएस्ट जो प्राइस वाले को भी रिजेक्ट कर सकता, मालिक कहता हम नहीं बेचेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि यू आर ऑफरिंग, जो वहां तक जो पहुंचे आप, जो विज्ञापन आए वो इन्विटेशन टू एन ऑफर था। अब आप ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को अगर दूसरी पार्टी ओनर एक्सेप्ट कर लेता है तब तो सब्जेक्ट अदर कंडीशंस वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये रखने की दबाव रखने की बात है। इसीलिए इसी तरह आप देखेंगे कि दुकान आप जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, दुकान पे ये आजकल मॉल में खास तौर से आपके समझ में आएगा, क्योंकि जो शॉप्स होते हैं, शॉप्स में सामान लगा होता है, आप सामान लाते हैं, ट्राली में भर भर के लाते हैं सामान, और दुकान काउंटर पर ला करके कहते हैं भाई रसीद काट दो। अब दुकानदार कहता है हम ये सामान नहीं बेच पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बुक हो चुका है, या ये सामान इट इज ओनली फॉर द शो, केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए है। तो दूसरी पार्टी जो परचेजर है वो कहता आपने तो शेल्फ में लगाया हुआ था। तो यहां पर अब यही क्वेश्चन होता है कि जब आप दुकान पर जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं और वहां का सामान रख करके ट्रॉली में रखते हैं, ट्रॉली में रख करके जब काउंटर पर लेके आते हैं तो जो सेलर है, मतलब जो
शॉपकीपर है या जो काउंटर बैठा हुआ है वो कहता हम आपको नहीं बेचेंगे, तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आपने विज्ञापन लगाया था। और तो इट वॉज मेनली एन इन्विटेशन टू ऑफर, आप जाइए दुकान पर, सामान उठाइए वहां से, लेकर के मेरे पास काउंटर पर आइए। तो काउंटर जब लेके आएंगे तब आप मुझे ऑफर कर रहे हैं जो सामान विज्ञापन के लगा हुआ दुकान, देखिए बाहर तमाम साड़ी लगी होती है, गुड्स लगे होते हैं, दे आर मेनली शोपीस। आपने कहा ये वाली साड़ी पूछा, इसने कहा नहीं है, साड़ी तो केवल शोपीस के लिए है, तो आप इंसिस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपने लगाया क्यों दुकान में, क्योंकि ही इज इन्वाइटिंग यू, इन्विटेशन टू एन ऑफर। तो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, फिर ऑफर होता है, फिर लेके आते हैं, फिर आप ऑफर करते हैं दुकानदार को। जब ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तभी एग्रीमेंट होगा, तभी प्रॉमिस बनेगा। ये केस है, ये नए टाइम का केस है, बदलते समय के साथ का, ये 52 का केस है इंग्लैंड का, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिकल्स लिमिटेड का, उसकी यही फैक्ट से मैंने आपको बताया। इसमें सुप्रीम, इसमें ब्रिटिश जो क्वींस बेंच थी उसने ये कहा, ये क्वींस बेंच डिवीजन का केस है, उसने कहा कि नहीं ये इनवाइटेशन टू एन ऑफर का केस है। तो आप जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक तो हैरिस वर्सेस निकल्सन का केस दिया जिसमें ऑक्शन के प्लेस तक पहुंचाना है, दूसरा काउंटर सेल किया, काउंटर पर पहुंचने का सेल किया, दुकान शेल्फ में लगा हुआ है कि सामान ये सब ये सब ये सब, लेकिन जब लेके पहुंचता है ट्रॉली में तो उसने कहा था हम आपको नहीं सेल करेंगे। तो इट इज अब यहां इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तब क्वेश्चन आता है इनफोर्सिबिलिटी का। अब इनविटेशन टू एंड ऑफर के कुछ एग्जांपल प्रैक्टिकल सुनिए, केस लास इस पर हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसे समझिए जैसे आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस जे की आईएएस की। देखिए जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है, कैंडिडेट का नंबर बढ़ता चला गया है, वैसे वैसे फॉर्मेलिटीज बढ़ती चली गई है। बहुत पहले आईएएस का केवल रिटन टेस्ट होता था और एक इंटरव्यू होता था, यही होता था। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एक स्क्रीनिंग होने लगी, प्री होने लगा, प्री के बाद मेंस हुआ, मेंस के बाद फिर तब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू फिर मेडिकल हुआ, तब आपको ऑफर लेटर मिला। तो ये जो आपका पेपर में विज्ञापन देना कि पीसीएसजे की वैकेंसी आई है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज इनविटेशन टू एन ऑफर। अगर आप उस इनविटेशन को ऑफर, मतलब ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, क्योंकि ऑफर में आल्सो भी कंडीशनल और अनकंडीशनल, कंडीशन का ये एलएलबी होना चाहिए, इतना मार्क्स होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए लाके, तब आप कमीशन को फॉर्म भरते हैं। अब देखिए ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर के कितनी स्टेजेस हैं। तब आपने फॉर्म भरा, फॉर्म की स्क्रीनिंग हुई ना, अभी चल रहा है इनविटेशन टू ऑफर। तो ऑफर का जो इनविटेशन है, जो आपको इनवाइट किया गया, इनविटेशन आपका मैच्योर होगा कि नहीं होगा, अभी ऑफर का सवाल नहीं है। तो आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया, स्क्रीन हो गया, आपको लेटर भेजा गया कि आप इतनी तारीख को आइए, आपका इतने सेंटर पर प्री का एग्जामिनेशन है, प्री का एग्जाम आपने दे दिया। ये सब इनविटेशन के पार्ट है, अभी ऑफर के पार्ट नहीं है। एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद फिर मेंस हुआ, दिस ऑल पार्ट्स ऑफ द इनविटेशन टू एन ऑफर। इसके बाद मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद जब आप आ गए तो कुछ अदर कंडीशंस भी हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह वेरीफाई करने की है। तब जब वेरीफाई करने के बाद तब कमीशन आपको ऑफर करेगा, ध्यान रखिएगा, जो ऑफर लेटर मिलता है, कमीशन नहीं मिला, बल्कि कमीशन तो इट इज मेनली इलेक्टिंग सेलेक्टिंग बॉडी। आज के 312 कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि कमीशन काम केवल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, अपॉइंट करना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कमीशन के सिलेक्शन के बाद भी यू आर नॉट इंटाइटल फॉर द अपॉइंटमेंट, क्योंकि ऑफर इज स्टिल नॉट एग्जिस्टिंग। ऑफर तो गवर्नमेंट आपको देगी, डिपार्टमेंट आपको देगी, तो सिलेक्शन का प्रोसेस केवल इनविटेशन टू एन ऑफर है। अब आपने किया, नाम रिकमेंड करके होम मिनिस्ट्री को दे दिया, डिपार्टमेंट को दे दिया। अब डिपार्टमेंट अगर आपको ऑफर लेटर भेजेगी, अब देखिए सिलेक्शन के बाद भी कोई जरूरी नहीं आपका अपॉइंटमेंट हो जाता, वहां घूम रहे हैं। सिलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट आपको ऑफर भेजेगी कि आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है और इस डिपार्टमेंट में आपको इस पोस्ट पर रैंकिंग सिलेक्शन किया जाना है, आप अपनी कंसेंट दे दीजिए 10 दिन 15 दिन भीतर में, तो आप अपनी रेटिंग कंसेंट भेजते हैं। तो ऑफर को आप असेंड करते हैं, कंसिडरेशन क्या है, सर्विस है, खैर अभी बाद में हमारे लिए करके। तो ऑफर स्टेट ने दिया आपको, सरकार ने दिया, आप एक्सेप्ट अगर कर लिए हैं तब एग्रीमेंट हुआ, प्रॉमिस हुआ, तब प्रॉमिस को अगर सरकार ने रेसिप्रोकेट किया
तो इन्फोर्सिबल वाला, तब एग्रीमेंट हुआ, तब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब आपका अपॉइंटमेंट वैलिड हुआ, देन इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर अपॉइंटमेंट। तो सिलेक्शन तक का आपका अपॉइंटमेंट नहीं होता, बल्कि आपका सिलेक्शन स्टेज तक पूरा पूरा इमेच्योर होता है। ऐसे ही जो रेसर रेलवे, आप देखिए बस वाले जब आप स्टेशन पे जाएंगे, रोडवेज पे जाएंगे, तो तमाम लोग चिल्लाते रहते हैं, आइए बनारस चलिए, लखनऊ चलिए, कानपुर चलिए। तो दे आर इनवाइटिंग यू, दे आर नॉट ऑफरिंग यू। उस इनवाइटेशन के बेसिस पे जब आप बर्थ पे चढ़ते हैं और किराया उनको ऑफर करते हैं, तो दैट इज एन ऑफर। और किराया ऑफर करने के पहले भी अगर वो कह दे हम आपके बस पर नहीं ले चलेंगे, या ये बस अब बनारस तक नहीं जाएगी, आप उतर जाइए, तो आपको उतरना पड़ेगा, बिकॉज द कंडक्टर और ओनर हैज स्टिल नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफर। तो ऑफर को जब तक एक्सेप्ट न कर लिया जाए, तब तक वो ऑफर ही रहेगा। एक्सेप्टेंस के बाद तब प्रॉमिस बनता है, और अगर कंडीशन सारी होती हैं, उस रूट पे बैठे हैं जो बनारस की रूट है, लखनऊ रूट है, कानपुर रूट है, तब आप बीच रास्ते में नहीं निकाल सकता, उतार सकता आपको, बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड योर ऑफर। यू हैव ऑफर्ड टू गो इन हिज बस, वो जहां तक बस जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको उतरना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट कर लेता है, रास्ते में आपको नहीं उतार सकता, वो उतारेगा तो बीच आप कॉन्ट्रैक्ट होगा, कम्पनसेशन देगा, या दूसरी बस आपको देगा, चाहे सरकारी बस हो चाहे वो प्राइवेट बस हो। ये पोजिशन होती है इनवाइटेशन टू एन ऑफर को। तो आप देखेंगे ऑफर से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, वो पहला तो कॉम्प्लिकेशन हुआ कि इनवाइटेशन टू ऑफर हुआ। इनवाइटेशन टू ऑफर का मतलब ऑफर नहीं होता, मैंने आपको जो एग्जांपल आपको दिए हैं उससे आप समझेंगे। तो ऑफर और इनवाइटेशन टू ऑफर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन है। हो सकता है वही इनवाइटेशन टू ऑफर ऑफर होता पहले, जैसे मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट ना करे तो ऑफर हो जाता, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती। प्रॉब्लम आती वहां जहां डिस्प्यूट होता है, सरकार ने टेंडर जारी कर दिया, टेंडर जारी करके कहा कि अब ये नगर महापालिका का टेंडर है, कार स्टैंड का ठेका निकलना है, अप्लाई कर दिया आपने, या पुल बनना है, तो जो टेंडर होता है उसकी कंडीशंस होती हैं। इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनवाइटेशन टू ऑफर। जब टेंडर की कंडीशंस को फुलफिल करते, से कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफर्स आजकल बहुत ज्यादा होने लगा। तो अब जब आप भरते हैं अपना टेंडर, तो इट इज इन द प्रोसेस ऑफ इनवाइटेशन टू ऑफर। ऑफर नहीं कर रहे हैं, मतलब आप देखिए इनवाइटेशन टू ऑफर जब करते हैं, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो इट इज इनवाइटेशन टू ऑफर। उस इनवाइटेशन के बेसिस पर जो आप टेंडर भरते हैं, नगर महापालिका को भेजते, सरकार को भेजते, तो क्या होता है, इट इज एन ऑफर, ऑफर इज सेंट बाय यू। उस ऑफर को जब तक गवर्नमेंट, जब तक कॉरपोरेशन जिसने टेंडर इशू किया है, जब तक एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इनवाइटेशन टू ऑफर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीजें कंटेक्सुअल हैं, सर्कमस्टांशियल हैं। जब कोई विवाद होता है तभी इनवाइटेशन टू ऑफर एंड ऑफर ऑफर का क्वेश्चन आता है। अब दूसरी चीज, ऑफर एक्सप्रेस होगा, इंप्लाइड होगा। एक्सप्रेस ऑफर मतलब होता है जब आपने मुझे कुछ ऑफर किया, मैंने उसका ओरल जवाब दे दिया, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर लिया कि हाँ भाई मैं इसका रिप्लाई देता हूं, मैं ये सामान लूंगा, तब तो वो एक्सप्रेस ऑफर का एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस हुआ। तो ऑफर एक्सप्रेस होगा या इंप्लाइड होगा। जैसे मान लीजिए ए अपनी पेन बी को सेल करता है 10 रुपए, मान लीजिए बी ने कहा मैं खरीदूंगा तुम्हारी पेन 10 रुपए में, ऑफर एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हुआ। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जो अंडरस्टूड होती है, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर के यहां आप जाते हैं, कुछ कहते थोड़ी है, मान लीजिए डॉक्टर ने देखा, अगर फीस जमा कर दिया, तो जब फीस जमा कर दिया, फीस जमा करने के बाद आपने ऑफर कर दिया डॉक्टर को, डॉक्टर से एक्सेप्टेंस विद द अजम्पशन ऑफ द फीस, जैसे फीस लिया डॉक्टर ने, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपको देखूंगा, इतने नंबर तक के मरीज जिनका पैसा लिया जा चुका है वो रुके रहे, बाकी सब चले जाए। तो जब आप, या आपने डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने कहा मेरी फीस लाओ, आपने कहा फीस कैसी, उन्होंने कहा मैंने तुमको देखा है। तो ये इंप्लाइड ऑफर्स हैं, जैसे डॉक्टर दिखाया
डॉक्टर ने आपको देख लिया, इसका मतलब आपका ऑफर एक इंप्लाइड ऑफर था, आपको पैसा देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अदरवाइज इट शैल बी ट्रीटेड टू बी द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका जो कंडक्ट होगा वही ऑफर आपका हो जाएगा। जैसे होटल में खाना खाने जाते हैं, अब बिल तो बाद में आता है ना, पहले तो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मान लीजिए मीनू है, नहीं देखा आपने, ऑर्डर दे दिया, तब क्या होगा? मीनू आपने देखा, आपने कहा कि मीनू इतना 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 ऑर्डर दे दीजिए। द मोमेंट यू हैव ऑर्डर्ड मीनू, यू हैव ऑफर्ड हिम टू कंज्यूम हिज फूड, मैं आपका खाना लूंगा। अगर खाना खा लिया आपको लेना होगा, अगर आपने ऑफर कर दिया खाना खराब मिला तो इसका मतलब कि अब वो ऑफर जो आपने किया था उसने जो एक्सेप्टेंस किया, ऑफर की कंडीशन क्या थी? खाना अच्छा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। रेस्टोरेंट की ये अंडरस्टूड कंडीशन होती है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस में सब लिखी होती है, एक्सेप्टेंस आएंगे बताएंगे आपको लेकर के। इसी तरीके से आप जूते वाले पॉलिश कराने जाते हैं, कहते भाई जूता पॉलिश कर दो, मोलभाव नहीं करता। पॉलिश कराने के बाद आप उसको पैसे देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है जहां पर बिना पूछे हुए ही आप कुछ काम करते हैं मगर इट इज इंप्लाइड ऑफर। ऐसे देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर है, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक में, दे आर इंप्लाइड ऑफर्स, तो वो अलग से एक चैप्टर उसका बना ही दिया गया है, लेकिन वो ऑफर इंप्लाइड होगा या एक्सप्रेस होगा। ऑफर कंडीशनल होगा या अनकंडीशनल होगा? जैसे कंडीशनल ऑफर क्या है कि मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप हमारी इस पेन को या हमारी इस बुक को इतने में खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। कंडीशन क्या लगा दिया? अगर आपका पैसा 30 दिन में आ गया तब तो आपको हम ऑफर वैल्यू माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इट इज कंडीशनल ऑफर। तो ऑफर कंडीशनल होगा या अनकंडीशनल होगा? इसी तरीके से आप देखेंगे ऑफर में भी टू ए पर्सन, टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन और टू द पब्लिक एट लार्ज। तो जहां पर्सन को है, ए और बी को है, ए बी सी डी को है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऑफर करना होता थ्रू द पब्लिक एंड लार्ज, जनरल ऑफर कहते हैं, जो हम पेपर के थ्रू देते हैं या ईमेल के थ्रू देते हैं, टेलीविजन में देते हैं, ऑफर करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप देखिए ऑफर, जनरल ऑफर और ऑफर इन्विटेशन में बहुत अंतर नहीं है। ये डिपेंड करता सरकमस्टांसेस पर कि वो इन्विटेशन टू ऑफर था या ऑफर था। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर था, एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ क्वेरी कर दी तो इन्विटेशन टू ऑफर था। जैसे कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जनरल ऑफर का केस था, उसने कहा कि जो मैं एक कंपनी का मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी दवाई जो खाएगा अगर इतने दिन में बीमार पड़ जाता मुझे 100 पाउंड उसे अकाउंट डाल दूंगा, बीमार पड़ गया। तो जनरल ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया तो इट बिकेम एन एक्सेप्टेंस। तो ऑफर जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। तो स्पेसिफिक ऑफर्स हम अलग से डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 को, तो बताएंगे आप लेकर के हाउ द ऑफर इज एक्सेप्टेड। द मूवमेंट टू कम्युनिकेट योर विल, योर डिजायर, इट इज डीम्ड टू बी हैव बीन ऑफर्ड, बशर्ते उस पर पहुंच जाए। अगर आपने जो ऑफर किया है वहां तक पहुंच चुका है तो ऑफर हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस में कॉम्प्लिकेशन होता है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे उसको लेकर के। तो ऑफर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, सेक्शन 3-4 जब आप देखेंगे तो उसमें क्लियर हो गया है। तो पहला तो आया एक्सेप्शन, आया ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। दूसरा आया कि ये जो सूचना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टोटली, कि आप कर देंगे भाई अपना सामान मैं बेचना चाहता हूं, उसे कह दो लेना हो ले लें, डायरेक्टली करें इनडायरेक्टली करें, इट इज मेनली कम्युनिकेशन। इसमें भी आप देखेंगे कि जो हारी वर्सेस फेसी का केस है, इस पर आएंगे लेकर के हम, तो इसमें अगर कोई इंप्लाइड कम्युनिकेशन है, जैसे कोटेशन है, प्राइस का कोटेशन है, या जैसे मान लीजिए हारी वर्सेस फेसी वाले केस में क्या हुआ, 93 का केस है ये, बंपर हालपेन केस भी कहते हैं इसको, इसमें एक कोटेशन दिया उसने कि जो ए था वो एक इस लैंड का नाम था बंपर हालपेन, उसका ओनर था, और जो बी था प्लेंटिव था, मतलब जो परचेजर था वो चाहता था जमीन को खरीद ले। उसने ए से कहा कि क्या तुम अपना बंपर हालपेन बेचोगे, सेल करोगे? उसने टेलीग्राम किया सेलर ने,
जो डिफेंडेंट हुआ, सेलेंट एग्जाम किया कि इसकी कीमत कम से कम 900 पाउंड है, तो 900 पाउंड है का मतलब दो हुआ, एक तो योग मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरा मैंने केवल तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। और क्या हुआ इसमें, उसने कहा 900 पाउंड से कम में नहीं बेचेंगे, 900 पाउंड में बेचेंगे। तो इन जो दो जो परचेजर था, जो सेल जो ऑफरर था, जो सेल करना चाह रहा था, जो परचेज करना चाह रहा था, उसने टेलीग्राम भेजा जैसा तुमने कहा है कि हम 900 पाउंड में तुम्हारी बंपर हाल पेन को खरीदने में तैयार हूं, कागज भेजो, प्लीज सेंड लीगल डीड शादी पेपर, कागज भेजो ताकि हम लोग एग्रीमेंट कर सकें। लेकिन जो डिपेंडेंट था, जो ओनर था बंपर हाल, उसने कहा हम नहीं बेचेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि दो बात हो सकती थी, या तो इसे इंप्लाइड ऑफर का इंप्लाइड एक्सेप्टेंस कहते, क्योंकि एक्सेप्टेंस कभी इंप्लाइड होता नहीं है, इसलिए एक्सेप्टेंस शुड बी क्लियर। उसने जो 900 रुपए का प्राइस इस बार मेरी कोटेशन, कि 900 कोटेशन है भेजूंगा और इसके बाद तुम ऑफर करो, फिर ऑफर करो, तब अगर ऑफर करोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब तो ये लैंड बिकेगी, नहीं तो नहीं बिकेगी। उसने 900 पाउंड का कोटेशन देने के बाद भी कहा कि लैंड हमको नहीं बेचना है, अभी हमारा भेजने कोई इरादा नहीं है। तो ये इस तरह के जो कोटेशंस हैं, जो इंप्लाइड, इसके दो लीगल इंप्लिकेशंस हैं। पहला तो ये हुआ कि मेयरली द कोटेशंस आर नॉट एन ऑफर्स, दे आर मेयरली इनविटेशन टू एन ऑफर। दूसरा है कि जो असेंट होना चाहिए, जो कंसेंट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी एक्सप्रेस। एक्सेप्टेंस कभी इंप्लाइड नहीं होता, अभी एक्सेप्टेंस चैप्टर में आएगा लेकर के। तो ये आपने देखा कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में ये जो बनती है सिचुएशन बनती है, ये कॉमर्शलाइजेशन की वजह से बनती है। दूसरा उन्होंने बताया कि कंडीशनल ऑफर हो सकता है या नॉन कंडीशनल हो सकता है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे एक मान लीजिए कि आप नाव में बैठने जाते हैं, या आपने स्टेशन पर आए, क्लॉक रूम में सामान रखा आपने, पर्ची कटी, या नीचे रेटिस लिखा हुआ है बगल में, पर रसीद लेने लिखा हुआ है कि ये अगर सामान ताला नहीं बंद है, इसमें लॉक नहीं लगा हुआ है, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये सब चेक करता है। चेक करने के बाद एप्लीकेशन आपको देता है, तब वो एक्सेप्ट करता है। दीज आर दी कंडीशनल ऑफर्स। अगर उन कंडीशन को फुलफिल, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि अगर कुछ हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप देखिए सब जगह लिखा रहता है, अपने सामान की रखवाली खुद करें जब सामान में आप जाते हैं। तो कंडीशन अगर लगा दी गई है, तो कंडीशन को फुलफिल अगर नहीं करते आप, तो एक्सेप्टेंस किया भी है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो इसमें क्या हुआ था कि रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रॉस लिमिटेड का केस था, 1925 का केस है, प्रीवी काउंसिल का केस है। इसमें कुछ लोग गए नाव में बैठने गए और तफरी करने गए, जैसे होती है टूरिंग बोट्स पर, और उसमें लिखा, जो पर्ची लिखा गया उसमें लिखा गया था कि अगर कुछ हादसा होता तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अगर सामान गायब होता तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये सब लिख दिया गया था। तो ऊपर जो लिखा गया था, नीचे क्लॉज लिखा गया था, नीचे नहीं लिखा गया था, नीचे लिखा था ब्लैक बैक टू द पेजेस, कृपया पढ़ना पलटिए, क्योंकि इंग्लैंड का मामला था, अंग्रेजी में था, हिंदी में होता तो हिंदी में होता। और उसने जो टिकट का परचेजर था, जो टूरिस्ट था, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने लिखा था कि अगर सामान भीड़ में से कोई सामान आप नाव में से कोई सामान चुरा लेता है या गिर जाता है, तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, उसने पढ़ा नहीं था। तो ये जो था, क्योंकि कंडीशनल ऑफर था कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इसलिए इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, क्योंकि कंडीशनल ऑफर था और जो कंडीशन जो ऑफर था उसे कंडीशनली आपने एक्सेप्ट भी किया है। तो ये ऑफर में भी कंडीशनल और ऑफर में भी अनकंडीशनल दोनों तरह के ऑफर होते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो इनविटेशन टू ऑफर के साथ साथ डेवलप होता है, काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर्स क्या होते हैं? क्रॉस ऑफर्स होते हैं जब एक ही लेटर, एक ही बात, जैसे आप पार्लियामेंट देखते हैं, सुनाई नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं, या टेलीविजन डिबेट पे डिबेट चल रहा तो आप भी बोल रहे हैं, वही बोल रहा, पब्लिक समझ ही नहीं पाती क्या बोल रहे हैं। एंकर कहता भाई एक एक करके बोलिए, क्योंकि जब एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा पहला सुनेगा, तभी वो आपकी आवाज थर्ड पार्टी कान तक जाएगी। तो ऑफर में भी, कॉन्ट्रैक्ट में भी यही है कि अगर दो ऑफर, एक चिट्ठी हमने आपको भेजी, वही चिट्ठी
हमने आपको भेजी और आपकी चिट्ठी हमको ऑफर की नहीं मिली, और आपने जो ऑफर किया वो चिट्ठी हमको तब मिली जब हमारी चिट्ठी आपको मिली। यहां दो ऑफर हो गया, तो ऑफर एक पहले होना चाहिए था, एक्सेप्टेंस बाद में होना चाहिए था, लेकिन अगर दो ऑफर बाद में होते हैं तो ऑफर को एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है। ये टिन वर्सेस हॉफमैन का केस है 1873 का, जिसमें ले डाउन किया गया, कोयला बेचने की बात आई थी, और ये क्लियर हो गया कि जनरल ऑफर कैसे करते हैं। एक आता है स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग मतलब कंटिन्यूअस ऑफर्स। स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है कि एक जनरल, जैसे आपने, मैंने आपको ठेका दे दिया कि हमारी रेलवे जो कंपनी है या हमारी जो बुक है, शॉप है, उस पर सारी स्टेशन सप्लाई आप करेंगे, साल भर तक आप करेंगे, लेकिन जब समय समय पर हम ऑर्डर देंगे उतना ही सामान भेजिएगा। तो ऐसे केसेस में जो कंटिन्यूअस ऑफर्स होते हैं, एक्सेप्टेंस केवल उतने ही सामान का होता है जितने सामान का डॉलर दिया जाता है, इसे कहते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर, या इसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर्स। तो स्टैंडिंग ऑफर ध्यान रखिएगा कि स्टैंडिंग ऑफर भले ही 1 करोड़ रुपए का हो, लेकिन जिस जिस अमाउंट तक का सामान ऑर्डर आपको देंगे केवल उतने ही अमाउंट का ऑफर आपको माना जाएगा और उतने को एक्सेप्टेंस आप करेंगे, अदरवाइज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बंगाल कोल कंपनी का केस है, बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया का केस है, ये 1899 का बंबई हाईकोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोयले की सप्लाई करनी थी बी पार्टी को, उसने कहा कि हम 1 साल तक आपको सप्लाई करेंगे, और जब जब सामान हम कहेंगे जिस महीने उस महीने सामान आप सप्लाई करेंगे। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि जितना जितना ऑर्डर दिया गया है स्पेसिफिकली उतने ही सामान की सप्लाई मानी जाएगी और केवल उतने ही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पूरा जो जनरल ऑफर्स होते हैं या जो सॉरी जो कंटिन्यूअस ऑफर होते हैं या इस तरीके से जो रनिंग ऑफर्स होते हैं, कंटिन्यू ऑफर होते हैं, उनको टोटली को ऑफर नहीं मानते, बल्कि उस ऑफर के उस पार्ट को, जिस पार्ट को हम स्पेसिफिकली ऑफर करते हैं और जिसका एक्सेप्टेंस होता है, केवल उसी को हम ऑफर मानते हैं, एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। इसे एक कॉन्सेप्ट आता है काउंटर प्रपोजल, काउंटर ऑफर का प्रपोजल आता है। काउंटर ऑफर तब होता है जब ऑफर के बदले में हम कोई ऑफर करें ना? जैसे आप देखिए हारी वर्सेस फेसी का केस है, ये जो केस का नाम मुझे नहीं याद आ पा रहा है, हारी वर्सेस जो बंपर हाल पंजे, एक और केस है शायद हाइडी वर्सेस रेंज का केस है। इसमें क्या हुआ था कि उसने जमीन का मामला था, जमीन खरीदने की बात थी, लैंड घोड़ा खरीदने की बात थी। उसने कहा कि घोड़ा मैं खरीदना चाहता हूं, बेचो। उसने कहा हम बेचेंगे, भतीजे ने कहा बिकने के लिए। उसने कहा ये घोड़ा क्या बिकने के लिए? उसने कहा बिकने के लिए है। तो उसने कहा कि मैं इसका 1000 रुपए देने को तैयार हूं, प्रपोजल दिया उसने सेल करने का। लेकिन जो घोड़े का मालिक था उसने कहा कि हम इसको मान लीजिए 1100 रुपए में कम से नहीं बेचेंगे। अब उसने 1100 रुपए का ऑफर किया, 1100 रुपए ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, घोड़ा बेचने वाले ने कहा नहीं बेचेंगे। अब आप देखिए एक बार ऑफर किया 10000 रुपए का, फिर दूसरा उसने कहा हम 1100 कम में नहीं बेचेंगे, फिर उसने कहा 1100 हम खरीद लेंगे। तो यहां पर देखिए 1000 रुपए का जो ऑफर था वो ऑफर था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसके बदले में जो दूसरा ऑफर किया गया 1100 रुपए, इट वॉज एन काउंटर ऑफर। उस काउंटर ऑफर को अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो काउंटर ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, क्रॉस ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये डेवलप होते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे जैसे सेल एंड परचेज दुनिया बड़ी होती चली गई, वैसे वैसे तमाम जो फिनोमेना है कॉन्ट्रैक्ट के वो डेवलप होते चले गए। अब यहां पर देखिए जब समअप करेंगे तो पहली चीज तो यह है मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, जब तक उसका इरादा उसका बाइंडिंग बने ना हो तब तक कोई ऑफर का एक्सेप्टेंस या प्रपोजल नहीं मानते। दूसरा है इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर नहीं होता। तीसरा है मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं होता जब तक उसे एक्सेप्ट करने के इंटेंशन से न किया गया हो। अगर कैजुअल इंक्वायरी है जैसे हार्डी वर्सेस रेंज के केस में या हार्डी वर्सेस फेजी केस में देखा तो वो ऑफर नहीं होता। ऐसे ही कंपनी के प्रॉस्पेक्टस होते हैं, जो प्रॉस्पेक्टस होते हैं देखिए आप, मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल एसोसिएशन होता है, तो जो लोगों को शेयर खरीदने के लिए कंपनी निकालती क्या हो, इट इज इनविटेशन टू ऑफर।
जब आप उतना रुपया एप्लीकेशन साथ जमा करते हैं तो कंपनी आपको शेयर देगी नहीं देगी, ये डिपेंड करता है कंपनी पर। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट्स हैं कि विज्ञापन निकाल दिया आपने कि नौकरी के लिए निकाल दिया, इसी तरीके से आपने कोटेशन के लिए निकाल दिया, तो दे आर मेनली द इन्विटेशन टू ऑफर नॉट एन ऑफर। तो ये इंगेजमेंट्स है ऑफर के लेकर के, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए और क्रॉस ऑफर नहीं होना चाहिए, काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए और इन्विटेशन ऑफर नहीं होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पर कि ऑफर है या इन्विटेशन टू एन ऑफर है। हमने पहले ही कहा आपको कि ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये पार्टी के इंटेंशन से ही समझ में आएगा कि ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है। अगर हमने मान लिया इन्वाइट किया आपको या 10 लोगों को, 10 लोग पहुंच गए, उसने 10 लोगों को खाना खिला दिया तो ऑफर हो गया। लेकिन कहेगा नहीं खाली एक लोग खिलाए तो 9-10 इन्विटेशन टू ऑफर था, ऑफर केवल उसको मिला जो खाना वहां खाएगा। तो यहां पर कंडीशनल ऑफर है या नॉन कंडीशनल ऑफर है, ये सारे तरह के ऑफर जितने होते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि जो ऑफर है उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि जैसे लॉटरी के टिकट है, सरकार ने बहुत दिन तक लॉटरी बेचा तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो ये वेजर था, ये वायर था, सेक्शन 30 में आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में इट इज अ वेजर, वेजरिंग एग्रीमेंट था, लेकिन चूंकि इससे चूक था, इसे चूट की वजह से ये वेजर वैलिड था और इसे चूट कैन रिप्लेस द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट गलत भी है, मतलब अगर एग्रीमेंट वाइड भी है तो स्टेट अगर लॉ बनाकर इसे वैलिड कर सकती है, ये स्टेट की पावर में होता है। तो स्टेट इसे चूट ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। ये हुआ ऑफर का और वायर्ड वाइडेबल का, इतना बताना चाह रहा था, फिर डिस्कस करेंगे किसी दिन कि एक्सेप्टेंस कैसे होता है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पहला चैप्टर में चाहता हूँ आपको ये कंसिडरेशन तो कम से कम आपको खत्म कर दें, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें होता है। थैंक यू।